कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी और दमनात्मक रवैये के विरोध तथा बिजली कर्मियों की वर्षों से लंबित न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु आंदोलन का एक नोटिस दिया है। उसी के क्रम में 3 नवंबर से जन जागरण अभियान चल रहा है। उसी जन जागरण अभियान के क्रम में आज कानपुर में केस्को मुख्यालय पर यह सभा हो रही है। हमारे नोटिस के अनुसार 17 नवंबर को सभी संगठनों के केंद्रीय पदाधिकारी सामूहिक रूप से सत्याग्रह करेंगे लखनऊ में शक्ति भवन पर, और अगर उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार और ऊर्जा निगमों का प्रबंधन बिजली कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं करता तो 22 नवंबर से नियमानुसार कार्य आंदोलन होगा। 28 नवंबर को मशाल जुलूस निकाले जाएंगे और 29 नवंबर से सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर पूरी तरीके से पूर्ण कार्य बहिष्कार करने के लिए मजबूर हैं। हमारी मुख्य मांग यह है कि जो स्वेच्छाचारी रवैया है और कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन का, उसका कितना दुष्परिणाम है आज यह समाचार पत्रों में छपा भी है। केस्को ने तो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव किया है, बाकी चारों बिजली कंपनियों की हालत बहुत दयनीय हो गई है और दो बिजली कंपनियां, आगरा की बिजली कंपनी और लखनऊ की बिजली कंपनी, डी श्रेणी में चली गई है। यह पूरी तरीके से पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन का फेलोर और अपना फेलोर कर्मचारियों पर थोपना चाहते हैं और अनावश्यक तौर पर कर्मचारियों का दमन कर रहे हैं। एक नियमावली है ऊर्जा निगम की, उस नियमावली के तहत चेयरमैन का प्रबंधन